जय भारत, नीला सलाम, जय भीम सेना जिंदाबाद। ये लाइव बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव है जिसमें मैं कुछ मेन बातें आपको बताऊंगा जो कि समाज के लिए, देश के लिए और सभी प्रदेशों के लिए बहुत ही जरूरी बातें हैं और न्याय के हक की, न्याय की आवाज है, हक की आवाज है, अधिकारों की आवाज है। एक महापंचायत का आयोजन किया गया है जो सूचना हमें सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टीम के द्वारा मालूम चली कि एक महापंचायत का आयोजन जयपुर में किया गया है 2 अप्रैल को मानसरोवर ग्राउंड शिक्षा पथ के सामने, जयपुर राजस्थान। ये महापंचायत SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को लेकर है और जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो कि ईमानदार हैं और मानवता को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इस महापंचायत को अपना समर्थन दिया है और इस महापंचायत को सफल बनाने की मांग पूरे सोशल मीडिया पर की जा रही है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टीम के द्वारा ये सूचना दी गई है कि जो ये महापंचायत का आयोजन, SC ST महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में मुख्य मांग जो है वो 2018 में, आप सभी को याद होगा कि सन 2018 में SC ST एक्ट, जो कि पूरे देश भर में प्रभावी और पूरे देश भर में लागू है, SC ST एक्ट को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि SC ST एक्ट की जो राइट्स हैं और जो ये रूल रेगुलेशन है, कुछ कानून है, वो कम कर दिए जाए या उसको निष्प्रभावी बना दिया जाए। तो ऐसे में पूरे भारत देश से SC ST OBC वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग के और बुद्धिजीवी वर्ग के समुदाय ने, सभी ने एक साथ मिलजुल कर पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान किया था और भारत बंद, सफल भारत बंद बनाया था। इसमें बहुत सारे लोगों पर अनेक राज्यों में मुकदमे भी दर्ज किए गए, जो कि मुकदमे आज तक चल रहे हैं और कई प्रदेशों में तो अभी भी जमानत नहीं दी गई है और अब तक भी जो है लोग जेलों में बंद हैं। 2 अप्रैल के मामले में मैं कहता हूं कि 2 अप्रैल का मामला पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गया इस शांति प्रिय आंदोलन के बाद। जब 2 अप्रैल का एक शांति प्रिय आंदोलन SC ST OBC वर्ग के समुदायों ने जब आंदोलन किया था, तो इस आंदोलन के बाद में सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी और केंद्र सरकार ने संसद में एक विधेयक प्रस्ताव पास किया था कि SC ST एक्ट को जो है बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा, निष्प्रभावी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि SC ST एक्ट को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए। 2018 अमेंडमेंट के नाम से जिसको जाना जाता है, SC ST एक्ट 1989, अमेंडमेंट एक्ट 2018 के नाम से जिसको जाना जाता है, तो ये जो SC ST एक्ट था ये और भी प्रभावी बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो मुकदमे दर्ज किए गए इन राज्य सरकारों के द्वारा, वो मुकदमे एज इट इज पड़े हुए हैं, उनको रद्द नहीं किया गया, उनको समाप्त नहीं किया गया। तो इन मुकदमों को समाप्त करने के लिए जो राजस्थान प्रदेश में जयपुर में 2 अप्रैल को मानसरोवर ग्राउंड में जिस SC ST OBC समुदाय की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, भीमसेना और मैं, भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर, इस महापंचायत का पूरे तरीके से समर्थन करता हूं। हमारे भीमसेना के भीम सैनिक या फिर बहुजन समाज के, ओबीसी वर्ग के जितने भी संगठन संस्थाएं हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि आप इस शांतिप्रिय महापंचायत को सफल बनाएं और मिलजुल कर इस महापंचायत का हिस्सा बने। भीम सेना और भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर इस महापंचायत को, जयपुर में होने वाली 2 अप्रैल की महापंचायत को अपना पूरा समर्थन देते हैं और राज्य सरकार से, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से मांग करते हैं कि 2 अप्रैल 2018 के इंसिडेंट को लेकर जो भी मुकदमे दर्ज किए गए राजस्थान प्रदेश के अंदर, उनको तत्काल प्रभावी रूप से खत्म किया जाए, खारिज किया जाए, ताकि इस गरीब समुदाय के, इस हक अधिकार की आवाज उठाने वाले समुदाय के, जिन युवाओं के ऊपर, जिन बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर केस दर्ज किए गए, वो इन केस से फारिग हो सके। ये हमारी भीमसेना की डिमांड रहेगी, संगठनात्मक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर इस महापंचायत का, जयपुर में होने वाली महापंचायत 2 अप्रैल का,
पुरजोर समर्थन करते हैं और अपील करते हैं देश के बुद्धिजीवी वर्ग से, प्रदेश राजस्थान प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग से, एससी एसटी ओबीसी समुदाय से, सभी बहुजन समाज की और अन्य सभी संगठनों से, सभी संस्थाओं से और विपक्षी राजनीतिक दलों से मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस महापंचायत को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। साथ ही देश भर में मुकदमे दर्ज है राजस्थान प्रदेश में होने के साथ साथ पूरे देश भर में मुकदमे दर्ज 2 अप्रैल को लेकर के किए गए थे, तो मेरी केंद्र सरकार से और जो अन्य राज्य हैं उन राज्य सरकारों से मेरी मांग है, जब एससी एसटी एक्ट को उन्हें लागू कर दिया गया, जो उन्हें वो सुप्रीम कोर्ट ने जो बंदिशें लगाई थी उनको समाप्त कर दिया गया और एससी एसटी एक्ट अच्छे अमेंडमेंट के साथ पुनः लागू किया गया, तो ऐसे में 2 अप्रैल के मुकदमे देश भर में चलाए जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से मेरी अपील रहेगी, मेरी मांग रहेगी कि आप पूरे देश भर से सभी राज्य और केंद्र सरकार इन 2 अप्रैल के जो मुकदमे दर्ज किए गए एससी एसटी समुदाय के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज किए गए, आप इनको तत्काल प्रभावी रूप से आप इनको खारिज करने का काम करें, ताकि आम जन में जो है वो लोकतंत्र के प्रति, देश के संविधान के प्रति प्यार प्रेम वैसे ही बना रहे जैसे कि पहले था। क्योंकि किसी भी तरह से जब कोई भी मामला ऐसा होता है कि उनके अधिकारों के ऊपर चोट की जाती है, तो रोड पर उतरना लोगों का एकदम से होता है कि उनका सब कुछ छीन लिया गया और रोड पर लोग उतरते हैं। ऐसे में उनका कोई मिस्टेक नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अपने हक और अधिकार की आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से मांग रहेगी कि आप राजस्थान सरकार भी इस मांग को माने और सभी प्रदेश भी आप इस मांग को जो है वो माने। साथ ही इसमें जो महापंचायत है, महापंचायत में कुछ और मेन प्रावधान रखे गए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी में पदोन्नति की व्यवस्था की जाए और आरक्षण को, जो नियम अभी आपने लागू किया हुआ है, आरक्षण को पहले से अधिक जो है वो बढ़ाया जाए। तो ये जायज मांगे हैं, संवैधानिक मांगे हैं और आम जन की मांगे हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष की मांगे नहीं है। इसमें ही राजस्थान प्रदेश का हित है, हित छिपा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तत्काल प्रभावी रूप से राजस्थान में जो 2 अप्रैल को लेकर एससी एसटी समुदाय पर मुकदमे दर्ज किए हैं, आप उनको खारिज करने का काम करें और सरकारी नौकरी में पदोन्नति की व्यवस्था करें। इसके साथ आप आरक्षण को बढ़ाने का भी काम करें और एससी एसटी ओबीसी वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग और जो सामान्य वर्ग के, जो उच्च वर्ग के साथी हैं, ऐसे हैं जो कि मानवता को मानते हैं, देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, देश के एक मजबूत नागरिक हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप इस महापंचायत को अपना साथ दें, आप इसको सफल बनाएं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, जितने भी भीम सैनिक मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, विशेषकर राजस्थान प्रदेश में भी और राजस्थान प्रदेश के आसपास के भी, मेरी भी पुरजोर कोशिश रहेगी कि मैं 2 अप्रैल में इस महापंचायत का हिस्सा बन सकूं, एक एससी एसटी समुदाय के एक सभ्य नागरिक के तौर पर मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस महापंचायत का हिस्सा बन सकूं। और किसी कारणवश अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इस महापंचायत को सफल बनाएं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट टीम लगातार वॉच कर रही है और इस महापंचायत के जो ऑर्गेनाइजर हैं, उन ऑर्गेनाइजर्स से बातचीत करके, वार्तालाप करके इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और भीम सेना के जो पदाधिकारी राजस्थान प्रदेश में है, राजस्थान प्रदेश के आसपास है, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। समाज के प्रति ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस महापंचायत को सफल बनाएं। बाकी मेरी भीम सैनिकों से ये पुरजोर अपील रहेगी कि आप जो है पूरी मजबूती के साथ, दमखम के साथ, संवैधानिक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से इस महापंचायत का हिस्सा बने। किसी भी तरह से कोई भी असामाजिक तत्व बिल्कुल भी इस महापंचायत को खराब ना कर पाए, आप सभी की जिम्मेदारी रहेगी। संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आप इस महापंचायत का हिस्सा बने और अपना सहयोग दें, समर्थन करें। बाकी आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर की भी पूरी कोशिश रहेगी कि इस संवैधानिक आवाज का वो हिस्सा बनेंगे और 2 अप्रैल को महापंचायत में जरूर पहुंचने का मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। तो जितने भी साथियों ने
मेरा ये लाइव वीडियो सुना, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, वॉच करेंगे, आप सभी का जो जय भीम अभिवादन मुझे मिल रहा है, मैं आपका सभी का जय भीम अभिवादन स्वीकार करता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम अभिवादन मैं आपका स्वीकार करता हूँ और मैं आपको क्रांतिकारी जय भीम से अभिवादन भी करता हूँ। तो साथियों, राजस्थान प्रदेश के लिए, पूरे देश भर के लिए हम हमेशा हक और अधिकार की आवाज के साथ हैं और इस संवैधानिक आवाज के हम साथ हैं। 2 अप्रैल के सभी मुकदमे खारिज किए जाए, दोबारा से बोल देता हूं, और सरकारी नौकरी में पदोन्नति की व्यवस्था की जाए, आरक्षण को जो है पूरी तरह से बहाल किया जाए, आरक्षण को बढ़ाया जाए, और भी तमाम जो मांगे हैं उन सभी मांगों का मैं समर्थन करता हूं, तहे दिल से समर्थन करता हूं, पूरी भीमसेना समर्थन करती है। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद।